इट्स अ न्यूरो कंडीशन वेयर ब्रेन इज स्टॉप और स्लोली प्रोड्यूसिंग डोपामाइन केमिकल एंड इट विल अफेक्ट योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर बॉडी पोस्चर. सो वी हैव अफोर्डेबल सॉल्यूशन टू डायग्नोज द पार्किंसन डिजीज. अर्लियर इट वॉज डायग्नोज बाई यूजिंग MRI स्कैन एंड पैट स्कैन विच इज वेरी कॉस्टली एंड नॉट एक्सेसिबल फॉर एवरी वन. सो वी आइडेंटिफाई दिस अपॉर्चुनिटी एंड टर्न into a startup idea. And right now we are successfully continuing this startup and we got a good response from the government as well. Yeah, so these are the sufficient technical words to bore you. I'm not going to bore any of you with these technical terms. So what is our aim? So our aim to develop affordable and accessible diagnostic technology. जब आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हो तो उसका एक कोर एम होता है कि आप उसका आप एम क्या है, आप उसको कहाँ तक ले जाना चाहते हो और क्या प्रोवाइड करना चाहते हो. इट कैन बी एनीथिंग. वो टोटली डिपेंड करता है आपकी आप कौन से प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, आप कौन सी अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो. सो हमें लगा कि इंडिया में अफोर्डेबल और एक्सेसिबल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी नहीं है. सो वी डिसाइडेड आर एम टू डेवलप अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी एंड इट्स एंड वी नेम दिस इनिशिएटिव एक्सोकेयर. सो हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी. सो इट स्टार्टेड बैक इन टू 2017. सो बिफोर आई स्टार्ट माई जर्नी आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ. हाउ वॉज माई लाइफ ड्यूरिंग कॉलेज डेज. सो सबके क्लास में एक बंदा होता है कि जो फर्स्ट लेक्चर के बाद बोलता है आज मास बंक करता है. आई वॉज दैट गाई ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज कि जहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर तक आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट माई लाइफ, नॉट सीरियस अबाउट एजुकेशन. एंड जब भी हेलो या सो जब भी मैं बोर होता था या ऐसा कुछ होता था तब मैं बंक करता था और क्लास में भी मेरी इमेज ऐसी ही थी कि ही इज द पर्सन हु ऑलवेज इंस्पायर एवरीवन फॉर द बंक. सो हाउ दिस इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन टर्न इनटू एंटरप्रेन्योर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. इट स्टार्टेड विद द इवेंट स्टार्टअप इंडिया यात्रा गुजरात एडिशन. सो उसका एक वेबिनार जो था, सेमिनार था, वो गणपत यूनिवर्सिटी में भी हुआ था. सो आई अटेंडेड दैट सेमिनार एंड आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप वर्ड्स कि एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ कैसी होती है. हमने सब सिर्फ मीडिया में देखा है कि बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके रिव्यूज आते हैं, फोटोज होती है. सो आई वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड विद दिस मटीरियलिस्टिक थिंग एंड आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द सेम. सो मैंने इवेंट अटेंड की. उसके बाद आई केम टू नो हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व इट एंड हाउ गवर्नमेंट इज ऑल्सो हेल्पिंग अस. सो After the event, I discussed all the event with my friends, and one of my friend named Sharon came to me and she shared her idea with me for the exocare. Like she discussed about Parkinson's disease and gait cycle and artificial intelligence, and I was not even aware about what is the Parkinson's disease. Literally, मुझे Parkinson's disease क्या है नहीं पता था, gait cycle क्या है पता नहीं था. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली हम कैसे यूज कर सकते हैं किसी भी टर्म के बारे में कुछ पता नहीं था. सो आई गो होम एंड गूगल इट. देन सेकेंड डे हम लोग मिले एंड शी डिस्कस एवरीथिंग विथ मी एंड वी डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्किंग विथ इच अदर फॉर द एक्सोकेयर. उसमें बिजनेस ऑपरेशंस हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इस आइडिया को हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिजनेस प्लान क्या लिख सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने लर्न करना स्टार्ट किया. कुछ मेंटर्स से एडवाइस ली, कुछ फ्रेंड्स से एडवाइस ली और इस तरह से फर्स्ट प्रेजेंटेशन हमने बनाया. और जो गणपत यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ पे डॉक्टर सौरभ दवे उस टाइम पे गणपत यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेटर हेड थे, उनसे हमने डिस्कस किया हमारा आइडिया एंड ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड आफ्टर हियरिंग आवर आइडिया एंड ही एनकरेज अस टू अवेल गवर्नमेंट बेनिफिट ग्रांट्स एंड एवरीथिंग. So we decided to move further. So this was my first picture with my team. So this is Dr. Saurabh Dave, head of incubation. This is Sharon McCowan, a CTO of the company, and this is me during those days.
सो हाउ वॉज माई फर्स्ट पिच? हमने इंक्यूबेशन, हम इंक्यूबेटेड हो गए, उसके बाद हमें गवर्नमेंट से ग्रांट लेनी थी, हमें प्रोडक्ट डेवलप करनी थी, प्रोटोटाइप्स बनाने थे, काफी सारे सपने सजा के रखे थे उस टाइम पे. सो इट्स टाइम फॉर द फर्स्ट पिच, जहाँ पे सौरभ सर ने बताया कि हमें गवर्नमेंट इंक्यूबेशन की कमिटी है, वहां पे प्रेजेंट करना होगा हमारा आइडिया. अगर वहां पे सिलेक्ट होते हैं देन इंक्यूबेशन विल रेकमेंड अस फॉर द गवर्नमेंट ग्रांट विच इज अराउंड 11.20 लाख रुपीज, और वहां पे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में हमें प्रेजेंट करना होगा और वहां से हमें ग्रांट मिल सकती है. सो आफ्टर वन और टू और 3 मंथ्स सौरभ सर जस्ट कॉल अस एंड से नेक्स्ट वीक आपका प्रेजेंटेशन है, बी प्रिपेयर्ड विथ योर प्रेजेंटेशन. सो दिस वॉज द एक्चुअल इमेज ऑफ माई प्रेजेंटेशन. हम लोग वेटिंग रूम में बैठे हुए थे एंड देर आर सम 11 अदर स्टार्टअप्स, सारे एक्सपीरियंस बंदे, सबके सबने या तो पहले स्टार्टअप किया है या तो 5 साल 6 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है. आई वॉज द ओनली वन कि जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सीधा 6 सेमेस्टर में पढ़ रहा है, ना MBA किया है, ना MBA वाले किसी से मिला है, एंड देन एक प्रेजेंटेशन बना के पिच करने आ गया है. एंड आई वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड. सो वेटिंग एरिया में हम बैठे थे, 6 या 7 नंबर हमारा था, एंड वन स्टाफ जस्ट कम आउट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन रूम एंड सेड टीम एक्सोफेर इज नेक्स्ट, बी प्रिपेयर्ड विथ योर प्रेजेंटेशन. एंड आई वॉज नर्वस एंड एक ही बात मेरे माइंड में चल रही थी, बस प्रेजेंटेशन आज कैंसल थी जाए, आज तो नहीं जापू. एंड इट वॉज कंटिन्यूअसली रनिंग इन माई हेड, प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आई वॉन्ट टू लीव दिस प्लेस, लीव दिस प्लेस. एंड आफ्टर 15-20 मिनट समवन सेड एक्सोकेयर इज नेक्स्ट, प्लीज कम इन द रूम. सो आई लेफ्ट द प्लेस. शेरन एंड अदर को फाउंडर वॉज सर्चिंग मी एंड आई जस्ट लेफ्ट द प्लेस विदाउट इन्फॉर्मिंग दैम. आई वॉज सो स्कैड कि मैं प्रेजेंटेशन छोड़ो, वहां पे किसी को फेस भी नहीं करना चाहता था. तो आई जस्ट लेफ्ट द प्लेस. एंड आफ्टर एंड आई केम बैक आफ्टर 1 और 2 आवर्स एंड शेरन एंड करीना वॉज वेटिंग फॉर मी. सो आई आस्क्ड कि कैसा रहा प्रेजेंटेशन, शी सेड कि प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा था बट तू कहाँ चला गया था. आई सेड मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल था सो आई जस्ट लेफ्ट टू अटेंड दैट, बट डीप डाउन आई आई नो वहां पे मैं अटेंड करने के लिए रेडी ही नहीं था. सो आई रियलाइज कि काफी सारी चीजें हैं जो मुझे अभी सीखनी है, क्योंकि अगर मैं एक प्रेजेंटेशन नहीं हैंडल कर पा रहा तो इट्स नॉट इवन पॉसिबल टू कंटिन्यू माई ड्रीम. देन आई डिसाइडेड आई विल प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. सो आफ्टर नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स वी वर्क हार्ड टू लर्न अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, प्रेजेंटेशन, पिच डेक, हाउ टू राइट अ बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल्स. I will cover this all these things in our next session. So I'm not going deep down in the presentation. So we started learning other things, other templates and everything. So now day come, government से call आया कि आज presentation है, आप लोग आ जाना. I was again started scaring कि कैसे प्रेजेंटेशन होगा. आई प्रिपेयर्ड हार्ड बट मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए प्रिपेयर नहीं था. मुझे सारी चीजें पता थी, टेक्निकल टर्म्स पता थी, क्वेश्चन आंसर मैं कर सकता था, बट इतना करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं 10 लोगों के सामने जाके मेरे स्टार्टअप को रिप्रेजेंट करूं. सो आई स्टार्टेड स्कैरिंग अगेन. अंदर ही अंदर मुझे लग रहा था कि ये भी प्रेजेंटेशन आज किसी ना किसी वजह से कैंसिल हो जाए तो अच्छा है. एंड गणपत के जितने भी स्टार्टअप्स थे जो प्रेजेंट करने वाला थे, इट वाज अराउंड मोर देन 11 स्टार्टअप्स होते हैं, तो सबको एक रूम में बुलाया, कॉन्फ्रेंस रूम में. और यहाँ पे मेरे पास ये भी ऑप्शन नहीं था कि जैसे लास्ट पिच में मैं शेरन और करीना अंदर चले गए उसके बाद वहां से चला गया, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल सामने बैठे थे, उनके पीछे सारे स्टार्टअप्स बैठे थे और आपको जस्ट एज ए टीम वहां से खड़े होके स्टेज पे जाना था. सो आई वॉज वेरी मच स्कैर्ड कि यहाँ पे मैं भाग भी नहीं सकता, यहाँ पर तो मुझे खड़ा होना ही होना होगा. सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ प्रेजेंटेशन, फोर पीपल जस्ट प्रेजेंट देयर आइडियाज एंड फिफ्थ वाज अस. सो सौरभ सर टोल्ड अस मयूर योर टीम इज नेक्स्ट, बी प्रिपेयर्ड. सो आई टेल शेरन हमारी बारी है नेक्स्ट, रेडी हो जाना.
सीसीडी ओके, हमें तो कुछ नहीं करना है, लाइक टेक जो भी प्रोडक्ट है वो डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे, रेस्ट ऑफ द पीच इज योर्स। आई सेड ओके नो प्रॉब्लम। सो आफ्टर द 15 मिनट वन गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड एक्सोकर इज नेक्स्ट, प्लीज कम विथ योर टीम। सो शेरन एंड क्रीना वॉज स्टार्टेड वॉकिंग एंड आई वॉज सेट ऑन द माई सीट लाइक ए स्टैच्यू। आई डोंट वॉन्ट टू स्टैंड देयर, आई डोंट वॉन्ट टू पिच। एंड आई वॉज वो जो स्केयर था पहले वाला वो वापस फिर से आ गया। एंड आफ्टर 5-6 steps शेरन जस्ट टर्न बैक एंड सेड, मयूर तू नहीं आ रहा क्या, यू आर द सीईओ। सो आई स्टैंड फ्रॉम स्टैंड एंड जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग। सो ऑल ऑफ अस क्वाइट फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स, ना मैं कुछ बोल रहा था ना शेरन कुछ बोल रही थी। शेरन को लग रहा था मयूर प्रेजेंट कर रहा है और मयूर में तो कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि वो कुछ बोले। सो फॉर द 15-20 seconds ऐसे ही सब बैठे रहे, सौरभ सर देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जेपी बत्रा सर जो जॉइंट डायरेक्टर है वो भी सोच रहे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, लाइक दे आर अवेयर अबाउट द स्टेज फियर बट दे हैव एक्सपेक्टेशन कि अगर स्टार्टअप आइडिया शेयर कर रहे हैं तो इतना तो कॉन्फिडेंस होगा। देन आफ्टर 15-20 seconds शेरन जस्ट स्टार्टेड आवर पिच एंड द रिजल्ट इज शेरन वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर द प्रेजेंटेशन, शी जस्ट प्रिपेयर अ टेक्निकल प्रूफ POC, सो वी नॉट सिलेक्टेड फॉर द ग्रांट। बट द थिंग इज गुड थिंग वॉज वी सिलेक्टेड एज अ विद अ रिमार्क ऑफ रिकॉल, हमारे पास एक लास्ट चांस था कि जहां पे हम फिर से प्रेजेंट रिप्रेजेंट करके फिर से पिच करके ग्रांट अवेल कर सकते थे। सो शेरन केम टू मी आफ्टर द प्रेजेंटेशन एंड शी जस्ट सेड फ्यू लाइन्स टू मी, शी सेड हर बार ऐसा नहीं होगा कि हम जीतेंगे, कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम रिजेक्ट हो भी जाए। सो लकीली वी हैव अ सेकेंड चांस, यहाँ पे हम एक और चांस है हमारे पास, एक और बार पिच हम कर सकते हैं। अगर तू पिच नहीं करना चाहता है तो इट इज फाइन, बट यू आर द सीईओ ऑफ द कंपनी, वी हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर साइड एंड वी नो यू आर एबल टू डू दिस, यू हैव अ करेज एंड यू हैव अ सफिशियंट नॉलेज टू पिच एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन। सो आई रियलाइज टू मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड माई टीम, कि उनको क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, और उससे वो जो लाइन्स थी वो खुद इतनी रिस्पॉन्सिबल थी कि वहां पे मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा हूँ और मुझे फिक्स करना चाहिए खुद को। नाउ इट्स टू मच टू डू, अब तो कुछ करना ही होगा। सो आई स्टार्टेड रिक्रिएटिंग एवरीथिंग, रिक्रिएटिंग बिजनेस प्लान, रेवेन्यू प्लान, वैलिडेशन एंड एवरीथिंग। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को मेल किया, रिसर्च साइंटिस्ट को मेल किया, कुछ प्रोफेसर्स को इन्वॉल्व किया और POC पे फिर से काम किया। उसके बाद हमने लाइव फीडबैक लेना शुरू किया लोगों के। मैं दो दो तीन तीन घंटे डॉक्टर से मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए बैठा रहता था, उनसे मिलके ही आता था। सो आई वर्क हार्ड फॉर कपल ऑफ मंथ्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्पेंड टू लर्न हाउ टू पिच। मैंने बहुत सारे स्टार्टअप, बहुत सारे स्पीकर्स की कहानियां सुनी, उनकी पिच सुनी, उनकी केस स्टडीज देखी। सो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आने लगा कि कैसे पिच करते हैं, कहाँ पिच करते हैं, कौन सी स्लाइड्स होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे वर्कशॉप्स के जो वीडियोस थे वो सारी चीजें देखी एंड आई फील अब मैं रेडी हूँ। एंड दिस इज द बिहाइंड द स्टोरी, जब डॉक्टर शेन जो गणपत दादा के यंगेस्ट सन इन लॉ है वो गणपत यूनिवर्सिटी विजिट के लिए आए थे और लकीली उस टाइम पे हम वैलिडेशन का कैंपेन रन कर रहे थे एंड डॉक्टर सौरभ दवे वॉज अवेयर अबाउट दैट। So he just connected us with Dr. Shane and we got opportunity to pitch our idea in front of him. So यहाँ पे मैं फोटो में नहीं हूँ, so don't think कि उस टाइम पे मैं पिच नहीं कर सकता था इसीलिए यहाँ पे नहीं हूँ। I was attempting my fourth or fifth try for the engineering graphic exam. So आपकी आप कुछ भी कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, स्पोर्ट्स में हो, एक्स्ट्रा करिकुलम कुछ भी है, डोंट टेक योर स्टडीज टू मच लिबरल। यहाँ पे मैं नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपनी स्टडीज को काफी लिबरल लिया था, मैं फोकस नहीं कर रहा था और इजी में मेरी बैक टू बैक 4 बार ब्लॉक आई थी एंड ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैंने इसलिए मिस की क्योंकि जब मुझे पढ़ना था तब मैंने उस पर फोकस नहीं किया था। सो कॉन्सेंट्रेट विथ योर स्टडीज एज वेल।
सो द वन लास्ट चांस गवर्नमेंट ने रिकॉल किया था, प्रेजेंटेशन देना था, और इस दिस टाइम आई वाज प्रिपेयर्ड विथ एवरीथिंग, डेटा, न्यू पिच डेक, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज माय सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो आई जस्ट स्टार्टेड पिच अबाउट आर आइडिया, एंड दिस टाइम देर वॉज अ मोर देन अ 10 or 12 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु आर जस्ट वेटिंग टू आस्क देयर क्वेश्चंस. So I just started pitching our problem statement, and then solution, and then demo, and then mentors, and everything. Then they conduct question answer round. So for 30 minutes, I continuously speak, and I take each and every question. Either it's a business related competition questions, or either it's a technical questions. I handle all the questions, and after 12 minutes. Sorry, after 30 minutes, one official just turned from his seat and said, "Excellent presentation," and that was sufficient for me. Grant मिलेगी नहीं मिलेगी वो उस टाइम पे मेरे लिए मैटर नहीं कर रहा था. द थिंग इज मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर यहाँ पे ग्रांट नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट 100 पिच में 100 प्रेजेंटेशन में अकेले अटेंड कर सकता हूँ, उतना कॉन्फिडेंस मुझे वहां पे आ गया था. जो लर्निंग थी वो वहां पे मैं यूज कर रहा था. सो वी गॉट अ ग्रांट, वी हैव अ गुड टीम, बट एवरीथिंग वॉज रनिंग गुड. बट इफ यू आर रनिंग अ स्टार्टअप, देन एवरीथिंग रनिंग अ गुड इज जस्ट अ मिथ. कुछ भी कभी भी सही नहीं होता. यहाँ पे 500 छेद है, अगर उसमें से आप एक भी फिल करोगे तो और नए 100 वहां पे हो जाएंगे. तो आप कभी भी कुछ भी परफेक्टली रन नहीं कर सकते स्टार्टअप में. एक टीममेट थी, वो पर्सनल रीजन की वजह से स्टार्टअप छोड़ के चली गई, एंड अगेन विद द सेकेंड को फाउंडर शी स्टार्टेड वर्किंग विद द एक्सोकर एज अ पार्ट टाइम. सो टेक्निक पूरा डीप टेक स्टार्टअप था. अगर टेक्निकल टीम ही नहीं है तो मैं कैसे टेक्निकल स्टार्टअप रन कर सकता हूँ? आई डोंट हैव एक्सपर्टीज टू राइट अ सिंगल कोड इन अ सी लैंग्वेज. मैं अगर मुझे कोई आके बोलता है कि सी लैंग्वेज में हेलो टाइप हेलो प्रिंट करवा के दो, तो वो कोड भी मैं रन कर सकता हूँ. उतना बेसिक टेक्निकल नॉलेज नहीं था. और वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जहाँ पे पाइथन हम ये करेंगे वो करेंगे सारी दुनिया बदल देंगे. मैं टेक्निकल बिना टेक्निकल टीम के करता क्या? शिप जो थी वो डूब रही थी, पैसे मेरे पास थे बट वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था ड्यू टू गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस. ना किसी को हायर कर पा रहा था, ना अपने टीममेट से काम करवा पा रहा था, ना खुद वो चीजें कर पा रहा था. सो दैट वाज माय फर्स्ट लर्निंग कि जो आपके टीममेट्स हैं, जो आपकी टीम है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो भी स्टार्टअप में हमें लगता है कि पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर फंड है तो सारी चीजें हो सकती है, बट इट्स नॉट पॉसिबल. अगर आपके पास फंडिंग है बट आपके पास प्रॉपर टीम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते. आपको सेम एंथुजियाज्म वाले, सेम स्किल सेट वाले ऐसे बंदे चाहिए कि जिन जो आपके साथ काम करना चाहते हैं और आपके जितना काम करना चाहते हैं, ना आपसे ज्यादा ना आपसे कम. एक बॉन्डिंग, एक ट्यूनिंग होनी चाहिए आपकी टीम में, तभी आप कुछ कर सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते. इससे पहले मुझे लगता था कि एक बार फंड मिल गया उसके बाद तो ऐश ही ऐश है, पैसे ही पैसे स्पेंड करेंगे, अच्छी प्रोडक्ट बनाएंगे और स्केल करेंगे. बट आई रियलाइज कि ऐसा कुछ नहीं है, पहले टीम बनानी पड़ेगी. अब मेरे पास टीम तो थी नहीं. सो आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि उस टाइम पे माई मदर वॉज वेरी मच कॉन्शियस अबाउट माई करियर. एज अ स्टार्टअप, एज अ स्टार्टअप फाउंडर शी ऑलवेज सपोर्ट मी, बट करियर वाइज शी हैव ह्यूज डाउट इन अ स्टार्टअप, क्योंकि देर इज अ ह्यूज रिस्क एंड ह्यूज रिटर्न्स. अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, अगर नहीं होते हो तो देर आर मेनी चांस कि आपको वापस कॉर्पोरेट में जाना पड़े, स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट करना पड़े. उसके सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने लास्ट सेमेस्टर में जॉब स्टार्ट किया था. उसके साथ में अपना स्टार्टअप भी रन कर रहा था और कॉलेज भी अटेंड कर रहा था. सो 24 आवर्स में मैं तीन चीजें कर रहा था, जहाँ पे मुझे स्टार्टअप का हार्डवेयर का भी देखना है, मेरे मेंटर से भी कॉल्स अटेंड करना है, बिजनेस अभी ग्रो करना है, फंड भी यूटिलाइज करना है, इंक्यूबेशन से भी कम्युनिकेशन रखना है.
तो ये पांच चीजें स्टार्टअप में थी। कॉलेज में मुझे प्रोजेक्ट भी करने हैं, असाइनमेंट भी करने हैं, एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर होना है, वरना अगर लास्ट सेमेस्टर में बैक आ गई और या शायद ब्लॉक नहीं निकली तो पूरा पूरे 1 साल बिगड़ेगा फिर से। सो एंड द थिंग इज जॉब। सो इट वॉज आई वॉज वर्किंग इन अ नाइट शिफ्ट 7:30 to 4:30। सो रात के 7 बजे से सुबह के 5 बजे तक मैं ऑफिस में ही रहता था। उसके बाद मैं स्टार्टअप का भी काम करता था और कॉलेज भी करता था। तो आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड एंड अलोन, क्योंकि ना कोई साथ में टीममेट था कि जो अंडरस्टैंड कर पाए मुझे सिचुएशन को और मुझे हेल्प कर पाए स्टार्टअप में। डिसअपॉइंटेड था क्योंकि जो चीजें बनानी थी वो बन नहीं रही थी, पैसे बैंक में पड़े हैं बट यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, नए लोग नहीं मिल रहे। और फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए क्योंकि तीनों चीज एक ही साथ जगल कर रहा था, जगली में कहीं पे मिसबैलेंस हो रहा था। ये सारी चीजें चल रही थी। उसके बाद मैंने 8 कंटिन्यूअस डिफरेंट ग्रांट और कॉम्पिटिशन्स में अप्लाई किया एंड आई वॉज रिजेक्टेड इन ऑल ऑफ देम। कंटिन्यूअसली 8 मेल्स मुझे आ रहे हैं कि आप इसमें रिजेक्ट हो रहे हो, इसमें आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, सॉरी ट्राई अगेन। एंड लाइफ वॉज लाइक अ हेल, ना सामने कुछ रास्ता दिख रहा था ना मैं पीछे मुड़ के जा सकता था। एक फेज होता है कि जहां पे आप स्टक हो जाते हो, आपको कुछ नहीं मिलता, आप थक जाते हो, कोई आप किसी को आपकी चीज समझा नहीं पाते और आप किसी और की चीज समझना नहीं चाहते। ऐसा ही फेज मेरा चल रहा था। एंड देन देर वॉज अ सनशाइन। आईआईटी मुंबई से मुझे मेल आता है कि दैट वाज आई वाज सिलेक्टेड फॉर द एशियाज लार्जेस्ट बिजनेस मॉडल कॉम्पिटिशन। एंड आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि मुझे अटेंड करने के लिए आईआईटी मुंबई जाना था और वो लोग इंडिया के बेस्ट मेंटर्स को वहां पे बुला रहे थे स्टार्टअप को मेंटर करने के लिए। तो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड टू ग्रो माई नेटवर्क एंड मीट न्यू पीपल एंड एक्चुअली फाइंड न्यू थॉट प्रोसेस एंड न्यू सजेशंस फ्रॉम एक्चुअल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। सो यहाँ पे मेरी लर्निंग ये रही कि जब मैं आईआईटी गया तो जब 3 दिन का सेशन रहा तब मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला कि जिन लोगों ने ऑलरेडी खुद का स्टार्टअप किया है और वो लोग उसमें फेल हुए और फिर खुद का स्टार्टअप कर रहे हैं। काफी सारे ऐसे मेंटर्स आए थे जो लोग मोर देन 10 कंपनीज 15 कंपनीज को गाइडेंस दे रहे हैं, जो यूनिकॉर्न्स में एडवाइजर्स है, जो लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स एज अ फंड हैंडल कर रहे हैं। तो उनके साथ जब मैंने प्रॉब्लम शेयर किए तब मुझे पता चला कि ये सारे प्रॉब्लम्स तो है ही नहीं प्रॉब्लम कि जिसके लिए मुझे इतना फ्रस्ट्रेटेड होना चाहिए। काफी सारे सिंपल सॉल्यूशन इसके अवेलेबल थे, बस मैंने सही इंसान से इसके सॉल्यूशंस नहीं मांगे। मैं यहाँ वहां भटक रहा था बट मैंने सही इंसान को नहीं ढूंढा, ऐसे मेंटर्स को नहीं ढूंढा और ऐसे लोगों को नहीं ढूंढा कि जो एक्चुअली मेरे जो क्वेश्चंस है उसके आंसर दे पाए। एंड द सेकेंड लर्निंग वॉज इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट योर नॉलेज एंड टीम इंक्लूडिंग योर एडवाइजर। जितने अच्छे आपके एडवाइजर रहेंगे उतने ही जल्दी आपको, उतने ही फास्ट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। राइट नाउ वी हैव अ वेरी रेप्यूटेड इंडस्ट्री लीडर एज अ मेंटर, सो ही हैव अ ग्रेट कनेक्शन विद जाइडस। ही वर्क विद द जाइडस फॉर मोर देन 15-20 ईयर्स। सो जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन होता है सो आई जस्ट कॉल डॉक्टर जानी कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है और एंड ही जस्ट टेक अ 1 or 2 मिनट टू थिंक हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, बिकॉज उनको 60 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। जितना जितनी हमारी एज नहीं है उससे दुगना उनका एक्सपीरियंस है सिर्फ इस फील्ड में। सो ही नोज कि कैसे सारे क्वेश्चन को, सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सकता है। सो आस्क योर वैलिड क्वेश्चन टू राइट काइंड ऑफ पर्सन। सो वहां से आपको कोई ना कोई पाथ या कोई ना कोई रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। एंड इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। ऐसा नहीं है कि आपने फंड रेज कर दिया, आपने मेंटर्स ला दिया, आपने टीम बना दी, इट्स ओवर। ये सिर्फ शुरुआत है। यहाँ पे आपको और भी प्रोडक्ट इम्प्रूव करना जाना है, आपको बिजनेस जो है वो एक्सपांड करना है। जब भी हम गेम खेलते हैं तो एक लेवल के बाद जब दूसरे लेवल पे जाते हैं तब हमारे पास ज्यादा पावर होता है, बट लेवल खत्म करते हैं तब पता चलता है कि जो बॉस है वो तो ज्यादा पावरफुल है। एंड इट विल टेक 2, 3, 4 टाइम टू क्लियर दिस लेवल।
तो स्टार्टअप इज द सेम थिंग कि जहां पे आपको ऐसा लगता है कि बस आगे तो ऐसी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, आप जब आगे जाते हो तब आपको पता चलेगा कि आगे और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। बट द थिंग इज आपका जो एजुकेशन है, आपकी जो लर्निंग है, वो उतनी बढ़ जाएगी कि वो प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम कर पाओगे। सो दिस इज अ स्टार्टअप जर्नी एंड काफी अनसर्टेन जर्नी है, बट इट्स अ वेरी हैपनिंग एंड लर्निंग। सो दीज आर द सम पिक्चर आई प्रेजेंटेड माई स्टार्टअप इन ऑल मोस्ट मोस्ट ऑफ द ऑल द IITs एंड फ्यू IIMs आई इन्वाइटेड एज अंटरप्रनोर टू पिच माई आइडिया ड्यूरिंग SSIP एनुअल कॉन्फ्रेंस। रिसेंटली गवर्नमेंट सिलेक्टेड टॉप 20 स्टार्टअप फॉर द बूट कैंप एट IIM बेंगलोर एंड वी आर वन ऑफ देम। एंड जस्ट फ्यू डेज बैक वी आर सिलेक्टेड इन स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट एंड ओनली ओनली 25 स्टार्टअप आउट ऑफ गुजरात वॉज सिलेक्टेड एंड वी आर वन ऑफ देम। सो प्रॉब्लम्स के बाद जो एक अच्छा टाइम आता है ये वो मेरा है, बट इसके बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जहाँ पे मैं फंस गया था, जहाँ पे रास्ता नहीं मिल रहा था, बट देर इज ऑलवेज अ पाथ, बस आपको सही इंसान से सही डायरेक्शन में सही क्वेश्चन करना है। सो वॉट वॉज माई लर्निंग ड्यूरिंग दिस होल जर्नी टिल नाउ? सो इट्स नेवर टू लेट, नेवर टू अर्ली। जब मैंने स्टार्ट किया तब जब मैं मेंटर से या किसी डॉक्टर से मेरा आइडिया शेयर करता था, देर देर फर्स्ट रिएक्शन वॉज वेरी यंग एज यू आर रनिंग डीप टेक स्टार्टअप इन मेडिकल डिवाइस, क्योंकि इंडिया में मेडिकल डिवाइस के लिए बहुत सारे कंप्लाइंसेस है। आपको 2-3 साल तो सिर्फ गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेने में ही निकल जाएंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स, कोरोना की वजह से आपको सबको पता है कि कितने फेज है क्लिनिकल ट्रायल्स में। सो द सेम थिंग अप्लाई ऑन द मेडिकल डिवाइस एज वेल। जब मैंने स्टार्ट किया 2017 में, मुझे कुछ नहीं पता था कि क्लिनिकल ट्रायल कैसे होते हैं, सैम्पलिंग कैसे लेते हैं, उसके लिए प्रोटोकॉल कैसे लिखते हैं, बट आई नो नाउ कि वो कैसे करते। अगर मैंने उस टाइम पे स्टार्ट नहीं किया होता तो मुझे आज भी नहीं पता होता। सो ऐसा नहीं है कि आपको सर्टेन एक्सपीरियंस चाहिए या आपको किसी फील्ड में एक बार काम करके उसमें ही स्टार्टअप करना चाहिए। दोनों के प्रोस एंड कॉन्स है, बट ओवरऑल इट्स नेवर टू लेट और नेवर टू अर्ली, जस्ट स्टार्ट इट। सेकेंड थिंग इज बी फोकस ऑन योर प्रोडक्ट फॉर बेटर रिजल्ट एंड फंड्स। फंड्स में सेंस योर सेल्स एंड रेवेन्यू। जितनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट होगी उतना ही ज्यादा आपका स्टार्टअप ग्रो होगा, उतना ही ज्यादा वो लोगों को हेल्प कर पाएगी, उतने ही ज्यादा लोग आपकी प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे और उतना ही अच्छा रेवेन्यू आपको मिलेगा। जितना रेवेन्यू ज्यादा होगा आप उतनी तेजी से एक्सपांड कर पाओगे। सो जस्ट डोंट फोकस ऑन सेल्स की कैसे बेचे कैसे बेचे कैसे बेचे कैसे मार्केटिंग करें। ज्यादा फोकस उस पे दो कि प्रोडक्ट को बेहतर कैसे करें। अगर प्रोडक्ट बेहतर होगी तो डिजिटल एरा में आपकी प्रोडक्ट वायरल हो ही जाएगी, कहीं ना कहीं सर्टेन टाइम के बाद आपको अच्छी रीच मिलेगी ही मिलेगी। सो फोकस ऑन योर प्रोडक्ट। थर्ड थिंग इज नेवर थिंक अबाउट द जॉब टाइटल, ऑलवेज थिंक अबाउट योर कंट्रीब्यूशन। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मीटअप्स में मिला हूँ कि जो अपने आप को एज अ CEO इंट्रोड्यूस करते हैं, CMO इंट्रोड्यूस करते हैं, CFO इंट्रोड्यूस करते हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन कन्वर्सेशन वी केम टू नो कि ये बंदा क्या बोल रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है। उसको CMO बनना है बट उसको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट आती है, उसको तो और कुछ तो आता नहीं है। सो नेवर थिंक अबाउट द टाइटल कि मुझे CEO बनना है या CMO बनना है, ऑलवेज थिंक अबाउट लर्निंग। मैंने 1.5 साल तक मुझे खुद को कभी भी एज अ CEO किसी भी पिच में, किसी भी प्रेजेंटेशन में इंट्रोड्यूस नहीं किया पब्लिकली, क्योंकि द टाइटल कम विथ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि जहां पे लोग सिर्फ आपको जज नहीं कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम को जज कर रहे हैं, आपके पूरे कल्चर को जज कर रहे हैं, आपकी पूरी प्रोडक्ट को जज कर रहे हैं। अगर आप खुद अपने टाइटल को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो देन लीव इट, वो मैटर नहीं करता कि आपका टाइटल क्या है। द थिंग इज यू शुड बी फोकस ऑन योर स्टडीज, ऑन योर लर्निंग्स। नई चीजें सीखते जाओ, अगर आप CEO नहीं हो तो कल पक्का बन जाओगे। एग्जिस्टिंग CEO है उसको नहीं आता है कुछ, तो 2-3 साल के बाद आप CEO बनने ही वाले हो। सो फोकस ऑन योर स्टडीज। थर्ड थिंग इज हायर वाइसली। किसी को भी उठा के स्टार्टअप में मत डाल दो।
मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, 3 4 साल 4 साल साथ में बैठ के इंजीनियरिंग किया है, तो स्टार्टअप में कैसे अकेले कर सकता हूँ? मत करो, सेकंड वर्कशॉप में हम इस पे डिटेल में बात करेंगे, बट हायर वाइजली ऐसा ये मैटर नहीं करता है कि आप अपने फ्रेंड को हायर कर रहे हो ना नहीं कर रहे हो, आपके सिबलिंग सिबलिंग कजिन को स्टार्टअप में ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। द थिंग इज यू हैव टू हायर राइट राइट पर्सन फॉर द राइट काइंड ऑफ जॉब। फिफ्थ थिंग इज नेवर हेसिटेट टू आस्क फॉर द हेल्प। ये लेक्चर नहीं है कि जहाँ पे आप बैठे हो क्योंकि पेरेंट्स ने फीस पे करके आपको बिठाया हुआ है। दिस इज समथिंग यू रियली वॉन्ट टू डू, राइट? तो अगर आपको कुछ चीज नहीं पता चल रही है, नहीं यहाँ पे आपको आप अपने प्रॉब्लम्स ओवरकम कर पा रहे हो, देन जस्ट स्टैंड, टेक अ स्टैंड फॉर यू एंड आस्क द क्वेश्चन टू योर सीनियर और योर मेंटर। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हेजिटेशन में रह जाओ और कॉम्पिटिटर्स आपसे आगे निकल जाए। सो हेजिटेट मत हो, जो भी क्वेश्चन है वो पूछो, कोई आपको जज नहीं करेगा। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे नहीं पता था कि बिजनेस मॉडल क्या होता है। अगर मैंने ऐसे बिहेव किया होता कि नहीं यार मैं तो इतना शाय बंदा हूँ, क्लास में भी लास्ट में बैठता हूँ, नहीं पूछ रहा हूँ, तो यहाँ पे कैसे लगेगा? सो क्लास वाली चीज शायद डिफरेंट हो सकती है, बट ये चीज हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम करना चाहते हैं। अगर हम पूछेंगे नहीं तो नहीं पता चलेगा। सो ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन एंड द लास्ट थिंग इज एंजॉय योर जर्नी, बिकॉज अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो तो देन जस्ट क्विट इट। मेन चीज यही है कि आप इस जर्नी पे इसीलिए आ रहे हो क्योंकि आप ये चीज एंजॉय करना चाहते हो। सो आई हैव सम सजेशंस फॉर यू, दीज आर 4 कूल बुक्स फॉर यू कि आप अगर अपना खुद का स्टार्टअप या और भी जानना चाहते हो स्टार्टअप के बारे में, तो ये 4 बुक एक बार जरूर रीड करना। इसके आगे भी और भी बहुत सारी बुक्स है, बट इन 4 बुक से आप स्टार्ट कर सकते हो और बेसिक सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल जाएगी। आई विल शेयर दिस स्लाइड्स विथ योर कोऑर्डिनेटर, देन सो यू डोंट नीड टू राइट एवरीथिंग। सो दीज आर सम यूट्यूब चैनल्स। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, 2017 में जब मैंने फर्स्ट टाइम पिच किया था तब मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं इंग्लिश में 2 लाइन ठीक से नहीं बोल पा रहा था। सो उस टाइम पे बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं क्या पढ़ूँ, क्योंकि सारे लिटरेचर सारे वीडियोस तो इंग्लिश में आते हैं। सो आई हैव टू सजेशंस फॉर यू, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, 2015 टू 2018 के उसके वीडियोस देखो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के। यू लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट बिजनेस, देन स्टार्टअप ज्ञान डेली, आप स्टार्टअप के बारे में आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा। एंड इफ यू आर गुड विथ इंग्लिश देन गो विथ द साइमन सिनेक एंड गैरी वी एज वेल। दीज आर द सम कूलेस्ट टीवी सीरीज। द शार्क टैंक हाईली रिकमेंडेड। शार्क टैंक में आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टर्स की थॉट प्रोसेस क्या होती है, मेंटर एज अ मेंटर्स थॉट प्रोसेस क्या होती है, और जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है जिन लोगों ने ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट किया वो लोग कैसे पिच करते हैं। एलिवेटर पिच आपको पता चलेगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज और उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट पिच में। एंड द वॉल्ट, इट्स अ हिंदी वर्जन ऑफ शार्क टैंक। अगेन इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स विथ इंग्लिश देन गो विथ द वॉल्ट। और इन सब के बाद अगर आप कुछ बोर होते हो देन गो विथ सिलिकॉन वैली एंड पिचर्स। आई बिलीव काफी सारे लोग ऑलरेडी पिचर्स देख के बैठे होंगे यहाँ पे। 3 मूवीज आई एम रेकमेंडिंग यू, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, इट्स अ स्टोरी ऑफ क्रिस गार्डनर, वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऑफ यूएसए। हाउ ही स्टार्टेड, कैसे उसने अपनी जॉब छोड़ी, कैसे वो बिजनेस में आया, कितने सारे प्रॉब्लम्स थे जो उसने खुद ने ओवरकम किए। हमारी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स नहीं है कि जहाँ पे हमारे हम पे बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना रहने के लिए घर है, ना खाने खरीदने के लिए पैसा है। तो क्रिस गार्डनर ने कैसे इन सारी चीजों को ओवरकम किया, कितना स्ट्रगल किया है, वो यहाँ से आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। द सोशल नेटवर्क, इट्स द स्टोरी ऑफ फेसबुक एंड द स्टीव जॉब्स, ऑफ कोर्स फाउंडर ऑफ एप्पल। सो ये कुछ मोटिवेशनल मूवीज है। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर स्टार्टअप एंड यू आर प्लानिंग टू अप्लाई इन 2021, सो दिस फायर वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन। इन सारी कॉम्पिटिशन्स में मैंने अप्लाई किया है और सब में मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। सो यूरेका वॉज कंडक्टिंग बाय IIT बॉम्बे
एम्प्रेस सर्यो इज कंडक्टिंग बाय आईआईटी खड़गपुर, आइडियास्ट्रॉम इज कंडक्टिंग बाय आईआईटी रुड़की, देन लेमन आइडियाज इज स्पॉन्सरिंग इंटरप्रेन्योर एंड 3M CII यंग इनोवेटर चैलेंज। ये पांच कॉम्पिटिशन्स में आप आइडिएशन बेस पे या बिफोर POC अप्लाई कर सकते हो एंड आपको यहाँ से वैलिडेशन मिलेंगे, बहुत अच्छा नेटवर्क मिलेगा और काफी सारी चीजें यहाँ से आप सीख सकते हो। सो बेसिकली आई लर्न टू मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस फाइव डिफरेंट प्लेसेस एंड लास्ट में थ्री टूल्स है जो आप एज अ स्टार्टअप फाउंडर यूज कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज स्लैक टू कम्युनिकेट विथ योर टीम, ट्रेलो टू टेक नोट्स एंड सेट रिमाइंडर्स फॉर द होल टीम, एंड द कैनवा टू क्रिएट अ ग्रेट पिच डेक। थैंक यू। Okay, anyone having any question can ask. Okay, for now, let's take 5 minutes of break and then we'll start another session. Before that, I would request all the this session effective because Yuri is a student of university. You can ask the question related to the startup or anything if you want. Okay, sir, so do we have to take the screenshot now only or at the end of the session? Both, ma'am. Okay. So I would like to request all the attendees and panel member, please turn on your camera so that we can take the screenshot. Can you stop your screen, sir? Hello. Mayur sir, you have to stop your sharing, screen sharing. Yeah, I'm doing this. Yeah. Then. All of you turn on your camera. All the students are requested to turn on your camera. Yes, Mohit, Nirmal, Ashil, Priyanshi, Khushi, Meet, Abhay. All of you are guys, please turn on your camera. Hello. Hello.
Sir, is it done? I hope it's done. We took a screenshot, right? Tejas sir, is it done? Sir, you have muted yourself. Yes, ma'am. Thank you so much. I guess there is a question in the chat from Deep Kakkar. What are your views on scaling a startup? So it's a very huge question in terms of scaling itself, a very a big thing. किस स्केल में आप एज आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो. सो देर आर टू मेनी थिंग्स टू स्केल योर स्टार्टअप. दो चीजें आप स्केल कर सकते हो. फर्स्ट थिंग इज प्रोडक्ट एंड द सेकेंड थिंग इज प्रोसेस. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अदानी. सो अदानी स्टार्टेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस. देन दे रियलाइज की ऑपरेशनल कॉस्ट तो काफी ज्यादा हो रहा है, लेट्स अक्वायर द पोर्ट. तो उन्होंने खुद के पोर्ट्स खरीद लिए. देन आफ्टर अक्वायरिंग अ पोर्ट दे रियलाइज की शिप भी खुद की होती तो मजा आ जाता, कि बहुत सारे पैसे बच जाते और एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाती. सो दे स्टार्टेड परचेजिंग अ बोट्स. देन दे गो इन टू पावर सेक्टर. देन दे बिल्ड देयर ओन रेलवे ट्रैक. देन दे परचेज अ लैंड आउटसाइड द इंडिया फॉर कंटिन्यूअसली गेटिंग अ कोल स्टॉक. सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स टू स्केल योर स्टार्टअप. आप प्रोसेस इम्प्रूव कर सकते इस तरह से, या फिर आप खुद ही सारी चीजें मैन्युफैक्चर कर सकते हो. आपने फोन मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया तो उसके बाद आप एयरपोर्ट्स भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो, उसके बाद एसेसरीज भी खुद ही मैन्युफैक्चर कर सकते हो. सो देर आर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी टू ग्रो योर स्टार्टअप. I hope Deep, you have your answer. Any other questions? So, Mr. Mayur, there is a question from my end as well. So, as an entrepreneur, which part you can say is the most toughest part while establishing yourself in the market? So it's a validation. Validation should be your first step, and this is the hardest thing to do because people are not going to give you right kind of answers, but they are going to confusing you. We'll take a deep discussion on this on our second part where I will cover how to validate your startup deeply. Okay, sure. Tejas sir, so should we take a break of 5 minutes and then we'll start the second session, or should we continue? Yes, Mayur sir, can we continue or we need some break? Let's take a break for 5 minutes. Student Kapil sure, Boro. Okay guys, just be back in 5 minutes, so we will start our next session, right? Be quick. Okay, so we will be starting our session max by 6 p.m. okay, so better be back by then. Thank you.